ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आप वीडियो के टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद आप सभी को अपने पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। ठीक है गाइस, तो मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से रिलीज कर रखा है, जिसको रिलीज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वीडियो को देख के आप सिंपली उसको रिलीज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस मैंने जो है मॉडल के नीचे शैडो भी पहले से क्रिएट कर रखी है, तो आप भी गाइस शैडो बना लेना। एंड बाकी उसके बाद क्या करना है, आप सभी को यहाँ से कर देना है मॉडल को लगाने के बाद यहाँ से कर देना है डन। ठीक है, तो इसलिए मैंने यार शेडो इसलिए बना दी ताकि यार स्पीकर टाइम वेस्ट ना हो, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे शेडो पहले बना दूँ। तो गाइस, ये जो है हमारा इतना काम हो चुका है। तो गाइस, आप सभी को दोबारा जाना है दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को ये वाला पीएनजी है, ठीक है, हर्ट वाला पीएनजी है, तो आप सभी को ये पीएनजी ले लेना है एंड ये मिसी वाला पीएनजी। ठीक है, तो मैंने आप सभी को सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, सारे डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद। तो गाइस, इसका जो है पहले हम लैंडिंग मोड चेंज करेंगे, तो इसका कर देंगे हम स्क्रीन एंड सिंपली स्क्रीन करने के बाद इसको हम यहाँ पर लगा देंगे अपनी पीठ के पास पीछे। ओके, इसको यहाँ लगा देने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली इसको पहले इसको स्क्रीन कर लेते हैं एंड इसका जो दूसरी वाली पीएनजी आप सभी को इसमें ज़्यादा कुछ छेड़ने जरूरत नहीं, आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है, अपने आप सेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लग चुका है। इतना हो जाने के बाद आप सभी को करना क्या है, तो गाइस इसमें थोड़ा सा मतलब कि इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लेते हैं पहले, तो ये वाला पीएनजी जो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको हम थोड़ा साइज़ को बड़ा करके एंड इसको यहाँ पे हम पीछे से धागा एंड यहाँ से डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लग चुका है, तो यहाँ से हम कर देंगे डन। ठीक है गाइस, तो उसके बाद जो है आप क्या करना है, आप सभी को मैंने मतलब कि एक पीएनजी और दे रखा है, तो आप सभी को उस पीएनजी को ले लेना है ये पार्टिकल्स का एंड इस पार्टिकल्स के पीएनजी को आप सभी को सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है एंड जो इसका जो रोटेशन है इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड को खाली खाली, तो इसको हम इस साइड को रोटेट करेंगे एंड इसको हम कर देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कर लेना आप भी एंड जो आपके मतलब फेस वेस वो अगर आए इसका पॉइंट कुछ भी, तो आप इसको वहाँ से इरेज कर लेना सिंपली एंड ऐसे कर देना डन। ठीक है, तो मेरे है नहीं कहीं, तो मैं अभी इसको इरेज नहीं करूँगा। तो उसके बाद आप सभी को जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जिसकी ब्राइटनेस है आपको उसको फुल कर देना है एंड उसके बाद टूल में ऐसे इन्वर्ट कर देना है एंड इसके साइज़ को जो है आप सभी को छोटा कर देना है। तो गाइस, ये हमने इसलिए किया है जो मतलब कि व्हाइट कलर का जो ये हमारा लाइट ग्लोइंग ग्लोइंग हर्ट है, इसका जो रिफ्लेक्शन है हमारी पीठ के ऊपर भी आना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये पीठ के ऊपर अपने मतलब कि ये वाइट कलर का ये मतलब कि ये रिफ्लेक्शन हमने बनाया है एंड जो इसका बेस्ट पार्ट मतलब कि जो बाहर की तरफ पार्ट आ रहा है, इसको सिंपली इरेज कर लेंगे रिजर टूल से। ठीक है, तो आप स्पीड कर लेना एंड थोड़ा आराम आराम से करना, ताकि जो मतलब कि आप मतलब कि जल्दबाजी में करोगे तो यार थोड़ा इधर उधर का भी इरेज हो जाएगा ना, तो फिर वो अलग ही दिखेगा, तो फिर फोटो अच्छी भी नहीं लगेगी, पता चल जाएगा साफ साफ कि ये मतलब कि भाई ने मतलब कैसी फ़ोटो बनाई है, मतलब कि देख सब कुछ सब पता चल रहा है, तो ऐसा कुछ आप सभी को नहीं करना है। ठीक है, तो आपसे कुछ टाइप से करना है एंड इसकी जो ओपेसिटी है आपको कुछ 42-41 तक देनी है एंड कर देना है डन। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना अगेन टूल्स में, इफेक्ट्स में। इफेक्ट में जाने के बाद जाना आप सभी को ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद आप सभी को जो इसका अमाउंट है इसको 2 या 3 तक रखना है। ठीक है, एंड उसके बाद जाना आपको इरेजर में एंड यहाँ से कर देना इन्वर्ट एंड यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करके ब्रश की साइज़ को छोटा करके एंड यहाँ से फोटो को जूम करना है एंड सिंपली आप सभी को एक बार ये फेस के ऊपर पेंट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, फेस एंड आपके नेक के पास यहाँ पे इस तरीके से पेंट कर देना, ऐसा अच्छे से पूरा में पेंट कर लेने के बाद आप सभी को करना क्या है, फिर इसके बाद आप सभी को यहाँ से कर देना है डन। ठीक है, तो डन कर देने के बाद आप सभी को जाना है अगेन टूल में। टूल में जाने के बाद जाना है एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को ब्राइटनेस को बढ़ा देना एंड ऐसे रेजर टूल में जाना है, ऐसे इन्वर्ट कर देना ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके एंड सिंपली अपनी फोटो को जूम करके एंड यहाँ पे फेस पे डोजन बर्न करना है। ठीक है, एक यहाँ पे क्यों और एक यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे कर देना है एंड उसके बाद आपके इसकी ओपेसिटी को कम करना है। ठीक है, अराउंड या अराउंड 10 तक कुछ रखना है। ठीक है, 10-9 तक एंड उसके बाद कर देना डन। ठीक है, तो उसके बाद गाइस आप सभी को अगेन जाना है टूल्स में। टूल्स में जाना आप सभी को उसकी जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा देना है, रेजर टूल में जाना है एंड इसको इन्वर्ट कर देना है एंड ऐसे रेजर ब्रश पर सिलेक्ट करके एंड सिंपली एक पेंट यहाँ करना है, एक पेंट यहाँ करना है, एक यहाँ कर देना है और एक हम एक यहाँ पर कर लेते हैं और एक यहाँ पर। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को करना क्या है, एक हम यहाँ पे भी कर लेते हैं एंड ऐसे करते हैं डन। ठीक है, इसको यहाँ पे डन कर देने के बाद आप सभी को उसको मैनेज करना ओपेसिटी को। ठीक है, तो गाइस देखिए काफ़ी ऑसम लग रही है यहाँ पे फोटो हमारी,
तो यहाँ से कर देते हैं डन। एंड उसके बाद जो है आप सभी को करना क्या है, आप सभी को उसमें करना है कलर करेक्शन। तो यार यहाँ पे हम कर लेंगे फोटो को सेव एंड चलते हैं अब लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस पहले हम ऐसे फोटो सेव कर लेते हैं, एंड चलते बैक एंड कर लेते हैं अपना लाइट रूम ऐप को ओपन। ठीक है, तो लाइट रूम ऐप हमारा ओपन जब तक हो रहा है गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी गाइस से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है यार वीडियो लाने में और अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर यार आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप सभी को मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो हमारी ऐड हो चुकी है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपसे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को भी बढ़ा देना है, एंड इसका शेडो को जो है आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड वाइट है इसको कम कर देना है, ब्लैक को बढ़ा देना है। ठीक है, एंड उसका जाना नीचे वाले टूल में वाइब्रेशन को आप सभी को बढ़ा देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को टेम्परेचर को हल्का सा कम कर देना है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को मिक्स में जाने के बाद आप सभी को ऑरेंज कलर को लेना है, एंड इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को जाना है येलो कलर में। ठीक है, इसके ह्यू को माइनस में कर देना है, ताकि जो हमारा फेस है येलो टोन में आ जाए थोड़ा। एंड इसका ब्लू कलर है, इसके ह्यू को माइनस में कर देना है, एंड सैचुरेशन को प्लस में कर देना है। आप चाहो तो माइनस में भी रख सकते हो, ठीक है, एंड माइनस में रख लेना, एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाला टूल में फोटो की जो क्लैरिटी इसको बढ़ा देना, एंड जो विगनेट है उसमें हल्का सा डालना है, क्योंकि विगनेट तो पहले से ही पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप सभी को ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, इसके बाद आप सभी को फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है, एंड जो नॉइज़ रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है। ओके, सो उसके बाद आप सभी को अगेन जाना है कलर्स में। ठीक है, कलर्स में जाने के बाद आप सभी को थ्री पॉइंट्स है जो ये सॉरी गाइस ये थ्री पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इस पर जाना है, एंड शेडो एंड ये हाईलाइट्स हैं इनको आप सभी को येलो टोन में देना है। ठीक है, आपको शेडो को पहले येलो टोन में ले जाना है, एंड मिड टोन्स को भी आपको ब्लू टोन में ले जाना है, एंड उसके बाद आप सभी को हाईलाइट्स है जो इसको भी ब्लू टोन में ले जाना है। ठीक है गाइस, इतना कर देने के बाद आप सभी को ऐसा कर देना डन, एंड उसके बाद जाना आप सभी को सिलेक्टिव टूल में, उसके बाद आप सभी को प्लस पर क्लिक कर देना है, एंड सर्कल पर जाना है, एंड सर्कल को आप सभी को सिंपली यहाँ पर पूरे बॉडी को ऊपर कर देना है, एंड इसके ऊपर प्रेस करना है, एंड इसके बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इन्वर्ट कर देना है आप सभी को, फिर फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आप सभी को अगेन जाना है प्लस पे, एंड सर्कल पर क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद ओनली आपको इसको फेस पे रखना है। ठीक है, इसको फेस पे रख देना है, एंड इसको थोड़ा इधर की तरफ ले आना, एंड इसको लाइट्स में जाना है, एक्सपोजर को आप सभी को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद आप सभी को अगेन इस पर थर्ड वाला ऑप्शन पर जाना है, एंड इसके बाद आप सभी को इसको इस तरीके से नीचे की तरफ लाना है, एंड उसके बाद एक्सपोजर को कम कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को कर देना है ऐसे डन, एंड ऐसा गाइस आप सभी को दिखाता हूं मैं बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस यहाँ तक जो है हमारी फोटो एडिट हो चुकी है गाइस। आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय।